अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं वाइनिंग शॉप, आपका अपना चैनल वाइनिंग शॉप। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वीडियो है वो भी है तो आर्मेचर से रिलेटेड, लेकिन आज हम वाइंड नहीं करेंगे आर्मेचर को, बल्कि इसके अलावा जो फॉल्ट आते हैं आजकल हम उन पर डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि आर्मेचर जो है वो रिपेयरिंग भी आपको आनी चाहिए उसकी, कि अगर आपके पास कुछ इस तरह का काम आता है जो वाइंडिंग से थोड़ा सा हटकर है तो वो भी आपके इलम में होना चाहिए। पुराने लोगों के लिए तो ये वीडियो नहीं है जो उस्ताद हैं, मगर जो नए हैं उनको इन चीज़ों से वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, तो ये वीडियो बेसिकली उन मेरे भाइयों के लिए है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आप मेरे सामने मोटर देख रहे हो कि ये मोटर बिल्कुल इसकी फील्ड में सही है, आर्मेचर भी सही है। मैं इसको चला कर चेक कर लेता हूँ कि इसमें मसला क्या है। सीरीज लीड से हम मोटर जो भी आप चलाओ सीरीज पे चलाना, पहले डायरेक्ट नहीं चलाना। तो ये आप देख सकते हो कि ये मोटर चल रही है और वो देखो उसके सारे बुश भी घूम रहा है इसका, मतलब इसका बुश जो है वो अंदर बिल्कुल लूज फ्री घूम रहा है शाफ्ट के साथ ही। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं इसको डायरेक्ट लगाऊँगा तो जो आर्मेचर है वो अंदर फील्डों के अंदर टकराना शुरू हो जाएगा, देखो बुश की स्पीड डबल हो गई और आर्मेचर अंदर टकराना शुरू हो जाता है। तो इससे मोटर जो है वो अगर ज़्यादा देर चलाओगे तो चलेगी नहीं, क्योंकि मोटर शॉर्ट हो जाएगी, बुश बिल्कुल फ्री है अंदर इसके। इसको खोल लेंगे मोटर को, फिर हम इसका बुश निकालते हैं, कवर हटाया, देखें बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ अंदर इसके, वो ये देखो बिल्कुल लूज है इसके। मैं आपको बताता हूँ कि ये मतलब कैसे इसको हम फिट कर सकते हैं। बुश कटा हुआ साइड लाइन पड़ी हुई उसके पट्टी के अंदर घूम घूम के, तो किसी भी शाफ्ट या और कोई भी चीज़ लेकर आके आप इसको बुश को निकाल लो। हमने चोट मारी, बुश बाहर आ गया। अब इसमें जो मेन चीज़ आपको बताने का मकसद है कि बुश लगाने के बहुत से लोगों के बहुत सारे तरीके हैं। ये देखो पूरी कटा हुआ लाइन पड़ी हुई इसके अंदर, तो ये तो फिट नहीं हो सकता था। बाकी ये पट्टी जो है ये आप इसको पट्टी को खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग पट्टी निकाल के निकालते हैं, लेकिन मैं पट्टी के जो ये दांत बने हुए टीथ हैं, जो ये कट पैल जो है कुछ भी कह लो आप इनको, इनको नोज प्लास से या किसी भी चीज़ से आप हल्का हल्का ऊपर करो, एहतियात से पट्टी टूटे ना, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। पट्टी के सारे दांत हमने ऊपर उठा लेने और ये देखिए एक बराबर उसमें सीक्वेंस में उठाने, तो ज़्यादा बिल्कुल वो बड़े हो जाएंगे तो वो पट्टी फट जाएगी, फिर वो बेकार हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखो ये बुश जो है ये मार्केट में बने बनाए मिलते हैं, बुश लैथ मशीन वगैरह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड साइज़ के बुश मिलते हैं। इसको आड़ा करके अंदर रखा और हल्का सा पुश करेंगे तो कवर के अंदर बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा, फिक्स मतलब बैठ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि बुश को हल्का सा टेढ़ा करना है और पट्टी को एक एक करके वापस उसी तरह नीचे की तरफ को प्रेस करते चले जाना है। हल्का सा घुमाया पट्टी प्रेस कर दी, हल्का सा घुमाया पट्टी प्रेस कर दी, सारे स्टेप बाय स्टेप जो भी हैं इसको आपने इस तरह ही प्रेस कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जब आखिरी हम कर लेंगे तो फिर बुश को उसी नोज़ ब्लास्ट की मदद से हम वापस सीधा भी करेंगे, या नोज़ ब्लास्ट या पेशकश वगैरह कोई भी चीज़ आप लेकर उसको यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि नोज़ ब्लास्ट हो, तो मैं अपनी आसानी के लिए कर रहा हूँ। ये सारा हमारा बुश जो है वो इसको हम सेंटर कर देंगे, बुश बिल्कुल टाइट हो चुका है अंदर, और बाद में हाथ से हिला के इसको चेक कर लीजिएगा। अब मैं इसको वापस इसी तरह फिट कर देता हूँ, बुश बिल्कुल टाइट हो चुका है। अब मैं इसको कवर को वापस लगा के मोटर को फिट कर लेता हूँ। ये कोई इतना मतलब कि बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं होता, मगर फिर भी आना चाहिए आपको अंदाज़ा। ये देखिए अभी मैं इसको अनफिट कर ली मोटर, और अब इसको लगा कर चेक कर लेते हैं। लगाना हमेशा पहले सीरीज पे, शुरू में डायरेक्ट नहीं लगाना, बिल्कुल देखो आप परफेक्ट मोटर जब सीरीज पे साउंड का पता चल गया, अब डायरेक्ट लगा लेते हैं इसको, लेकिन बस बिल्कुल टाइट है और बिल्कुल A1 पोजीशन में आएगा ओरिजिनल। अब
यानी कि ज़रूरत नहीं, कवर भी ख़राब नहीं होगा, मोटर भी जाए नहीं, और हमारा काम भी अलहमदुलिल्लाह बिल्कुल A1 हो गया। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, और बिना वजह जो नाराज़ होते हो ना ये नहीं हुआ करो, गलती भी खुद की होती है और फिर गुस्सा सारा मुझ पर निकलता है तो ये गलत होता है, ठीक है। अपनी गलती भी माना करो क्योंकि हर दफ़ा मैं ही गलत नहीं होता, कुछ गलतियाँ आपसे भी हो सकती हैं, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।